हेलो आई एम पलक एंड आज मैं बना रही हूँ दाब चिंगड़ी। ये मेरा मास्टर शेफ़ सीजन 6 के लिए पहला ऑडिशन है। दाब चिंगड़ी बेसिकली एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है एंड आई होप यू लाइक इट। बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं मैंने वो ये है। ये पंचफोरन है जिसमें सौंफ, जीरा, मेथी, सरसों दाना और राई इक्वल क्वान्टिटीज़ में मिक्सड है। ये शुगर, ये है आपका मस्टर्ड सीड्स, इसको मैं मस्टर्ड पेस्ट बनाऊंगी थोड़ा सा। ये पोस्ता दाना, नमक, काजू, कोकोनट वाटर, कोकोनट के अंदर की मलाई टेंडर कोकोनट में से निकलती है ये, और ये मगज है, इसका थोड़ा सा नटी मुझे इसका एक फ्लेवर चाहिए होगा इसके करी में। यहाँ पे मैंने प्रॉन्स यूज़ किए हैं, स्मॉल साइज प्रॉन है, इसको डीशेल करके इसका डीवीन कर दिया है। छोटा सा अनियन, आप अदरक यूज़ कर सकते हैं, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी रेसिपी में। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और एक दाब, इसको ऐसे एम्प्टी करके मैं जो भी कुकिंग होगी वो दाब के अंदर करने वाली हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ पेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स जो भी मेरे को डालना है इसके पेस्ट में। ये बेसिकली करी का बेस होने वाला है, तो मैं इसमें पहले तो मगज यूज़ कर रही हूँ, अराउंड 1 टीस्पून मगज है यहाँ पर। इसके बाद मेरे को मस्टर्ड सीड्स यूज़ करने हैं, ये भी करीब 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स जाएंगे इसमें। 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप मान लो करीब पॉपी सीड्स जाएगा इसमें, जिसको मैंने पोस्ता दाना आपको बताया था। यहाँ पर करीब 7 to 8 कैश्यू नट्स, 3 ग्रीन चिलीज, क्योंकि आई लाइक इट्स स्पाइसी। यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द क्वान्टिटी अगर आपको इसका ये क्वान्टिटी रिड्यूस करना है। और उसके बाद मेरे पास ये पूरा जितना भी टेंडर कोकोनट का फ्लैश था, आई एम गोइंग टू पुट एवरीथिंग हेयर। नहीं वो अब मुझे इसका पेस्ट बना लेना है, एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, पूरा करी का बेस होने वाला है। और इसमें बस मैं थोड़ा सा कोकोनट वाटर ऐड करके इसको पेस्ट बना लूँगी। यू कैन बेसिकली यूज़ नॉर्मल वाटर ऑल्सो, क्योंकि कोकोनट का ऑलरेडी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा उसके फ्लैश से आ जाना है, बट आई थिंक ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, तो इसमें मैं कोकोनट वाटर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ग्राइंड नाउ। अब ये जो पूरा हमने ये यहाँ पर डाला है, इसको जल्दी से चल के इसको एक पेस्ट बना लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। ये इसका पेस्ट रेडी हो गया है, एकदम स्मूथ पेस्ट है। दिस इज़ हाउ वी वॉन्टेड इट टू बी, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है, बट थिक कंसिस्टेंसी है। सो आई लाइक इट, दिस इज़ द वे आई नीडेड इट टू बी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कुकिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम पैन ले लेते हैं, एंड अब इस पैन में मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करने वाली हूँ, अराउंड 1 to 2 teaspoon ऑफ कोकोनट ऑयल। एंड इसको थोड़ा सा और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए मैं इसमें अराउंड 1.5 teaspoon देसी घी यूज़ कर रही हूँ। जब तक ये हीट होता है तब तक मैं इसका अनियन चॉप कर लेती हूँ। ऑयल हीट हो चुका है, अब मैं इसमें अनियन डाल देती हूँ अपने। देयर यू गो। और अब इसको करना है, इसको हल्का सा स्वीटिश पिंकिश लाइट कलर का हो जाएगा ये, देन आई विल ऐड द इसमें जितने भी मेरे प्रॉन हैं, जैसे कि वो भी थोड़ा सा सियर हो जाए। प्रॉन को ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा चूई हो जाते हैं। मेरे को इसको थोड़ा सा हल्का सा टेंडर करना है, बस ऊपर से हल्का सा सियर आ जाए, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। नाउ एज़ यू कैन सी, ये अनियन बिल्कुल अच्छे से कैरमलाइज हो गए हैं, तो अब मैं इसमें अपने प्रॉन्स डाल दूँगी। I'm just going to put all the prawns inside this, and फिर अभी थोड़ा prawn को भी हल्का सा seared आने का wait करूँगी। इसमें से एक बहुत प्यारी सी coconut की dominating flavor का एक बहुत प्यारा fragrance आ रहा है,
अब मैं इसको थोड़ा सा इन्फ्यूज़ होने देती हूँ। अच्छा, मैंने इस प्रॉन को मैरिनेट नहीं किया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट अभी डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा ड्राई हो चुका है और पैन में ये सियर भी आ चुका है मेरे प्रॉन्स में, तो मेरा पूरा ये जो पेस्ट मैंने बनाया था पूरे नट्स का, नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट। एवरीथिंग गोज इनसाइड। नाउ इट लुक्स क्रीमी एंड नाइस। ऑलराइट, वील जस्ट वेट फॉर अ सिमर। इसको थोड़ा सा सिमर होने देना है। अभी इसको सीजनिंग नहीं किया हमने, प्रॉन को थोड़ा सा नमक डाला था, बट अभी इस करी में थोड़ा सा पार्शली नमक होएगा, तो आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट, बहुत ही कम, क्योंकि ये जो नटी ग्रेवी है ये थोड़ा सा स्वीट बेस में जाती है। अच्छा, मेरी मम्मी अगर होती तो वो बोलती कि ये तुम ग्रेवी बना रही हो, उनके हिसाब से करी में शुगर नहीं डलती है, बट व्हाट हैपेंस इज़ कि आप जब तक जैसे नट को बैलेंस करने के लिए आप शुगर डाल सकते हो, सो इट कॉम्प्लीमेंट्स द थिंग कि ये जो नटी नेचर है वो हल्का सा शुगर स्वीटनेस रहेगी, तो वो बहुत प्यारी लगती है। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, जस्ट अ बिट, एंड सम सॉल्ट। There you go. Now we'll just wait for this to simmer, and this is almost ready. We'll just wait for this to simmer. So now my curry looks ready. बिल्कुल प्यारा सा sizzle आ चुका है इस पर. Now what we need to do is हम इसको अब कुकर में पकाने वाले हैं. सो इसमें बहुत ज़्यादा पैन में मेरे को बहुत नहीं पकाना है, बिकॉज फाइनली इट गोज़ इन टू द दाब एंड द दाब गोज़ इन साइड द कुकर। अच्छा, अभी हमें दाब जब कुक करना है तो वी नीड टू मेक श्योर दैट जितना भी आपका दाब है उसका हाफ ऑफ द हाइट का पानी मेरे को कुकर में डालना है। सो वी विल जस्ट पुट इट एंड दैट्स इट, एंड ऑन द सेकेंड स्टेप वी विल जस्ट पुट this curry and the prawn into the daab. There you go. This is going to be the last step of this recipe. अब इसको मेरे को steam करना है for 3 whistles. जब तक कुकर में 3 सीटी आएगी तब तक मेरे को इसको कुक करना है, एंड उसके बाद 10 मिनट्स तक उसको कुकर में ही छोड़ देना है। थोड़ा सा कूल हो जाएगा, then I will take it out. एंड फाइनली इसको आप सर्व करेंगे। नाउ दिस इज रेडी, दिस गोज इन साइड द कुकर। सो द दाब फिल्ड विद माई चिंगड़ी करी इज एब्सोल्यूटली रेडी। अब मुझे इसको रखना है कुकर के अंदर, सो वी विल जस्ट प्लेस इट इन साइड द कुकर एंड देयर इट गोज। अभी ये थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, 3 सीटी की, उसके बाद 10 मिनट उसको कवर्ड में ही छोड़ दिया, फिर इसको ओपन करके थोड़ा सा कूल डाउन किया है, एंड नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व। अब मैं इसको सर्व करने वाली हूँ स्टीम राइस के साथ।